नमस्ते दोस्तों, दोस्तों मेरा नाम है नितिन पटेल, मैं एक सेफ्टी प्रोफेशनल हूँ और आज हम लोग बात करने वाले हैं लेनियर के बारे में। आज मैं आपको अलग अलग टाइप्स के लेनियर को इंट्रोड्यूस करूँगा। जब भी हम हाइट पे काम करते हैं तो हमको ए बी सी डी ई फॉलो करना होता है। ये यानी कि हमारा एंकरेज पॉइंट हमारा होना चाहिए। और एंकरेज पॉइंट को किससे हम कनेक्ट करते, जो हमारा होता है लेनियर होता है, वो एंकरेज पॉइंट को जाके कनेक्ट करेगा, ठीक है। और ये हमारा जो लेनियर है वो हमारा कनेक्ट होता है जो बॉडी में फुल बॉडी हार्नेस पहनते हैं उसके साथ कनेक्ट होता है। तो ये अपना हो गया रूटीन लेनियर। ये जो हमारा स्कैफोल्ड हुक वाला है ये हम लोग जो रूटीन में यूज़ करते हैं काम के लिए, तो ये हमारा हो गया रूटीन में जो हम लोग रेगुलर लेनियर जो यूज़ करते हैं फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस के साथ, तो ये वाला है दोस्तों। अब दोस्तों फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसका एक थंब रूल है कि अपने को इन दोनों हुक में से कम एक हुक तो हमारा एंकर होना ही चाहिए, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि वर्कर भाई लोग एक एंकर कर देते हैं दूसरा छोड़ देते हैं, ठीक है, या फिर दोनों को ये सपोज ये हमारा लाइफ लाइन है तो ऐसे करके ये वाला मेथड से एंकर करते, तो ये गलत है। कभी भी ऐसे एंकर नहीं करने का। अगर ऐसे आपने एंकर किया और जैसे आपने को पोजीशन चेंज करनी है, सपोज मेरे को यहाँ से आगे जाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको खोलूँगा, ठीक है, और खुलने के टाइम पे अगर मैं गिरता हूँ तो सीधा का सीधा नीचे चला जाऊँगा, क्योंकि उस टाइम पे कुछ भी हमारे पास एंकरेज नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा अपने को इन दोनों को एंकर करके लगाना ज़रूरी है। अभी दोस्तों इसका लेंथ है ना 1.8 मीटर होता है। तो काफ़ी बार क्या होता है कि हमने जहाँ पे ये वर्कर ने एंकरेज किया है, ठीक है, और वर्क उसके नज़दीक में कर रहा होता है तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ जो होती है ना वो उसको बार बार डिस्टर्ब करता है। तो काफ़ी बार हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वर्कर अपने ऐसे पेट पे ऐसे घुमा के और फिर एंकर करता है या ये डिस्टर्ब करता है उसको काम के संबंध में। काफ़ी बार वर्कर भाई लोग क्या करते हैं कि इस पर गांठ मार देते हैं, ऐसे करके गांठ मार देते हैं ताकि इसका डिस्टेंस कम हो जाए और वो इजीली काम कर सके। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही अनसेफ है, ऐसे हमको कभी नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है। ये जो हमारे पास दूसरे जो लेनियर है इसका भी ये जो लेंथ है वो अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो 1.8 मीटर ही होगा, लेकिन ये इलास्टिक टाइप का होता है। इसका और इसका कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ मेक में थोड़ा सा चेंज है ताकि इसमें जो लेंथ एक्सटेंडेड थी यहाँ पे लेंथ कम रहेगी। अगर आप काम कर रहे हो थोड़ा सा दूर जाना है तो आराम से ये एक्सटेंड होगा, जैसे ही नज़दीक आ गए तो फिर ये छोटा हो गया। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि जो वर्कर को जो काम करते वक्त जो डिस्टर्बेंस हो रहा था ये एक्स्ट्रा लेंथ की वजह से वो यहाँ पे नहीं होगा। और दूसरा जो अनसेफ एक्शन करके जो अनसेफ काम करते थे गांठ मार देते थे वो भी यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा हो जाएगा, आप इजीली यहाँ पे काम कर सकते हो। सिमिलरली ये भी हमारा उसी टाइप का है, ये इलास्टिक टाइप का लेनियर है, दोनों एक ही टाइप के हैं। उसके बाद दोस्तों एक एडजस्टेबल लेनियर भी आता है। एडजस्टेबल लेनियर में क्या आता है कि ये आपका जो फुल बॉडी हार्नेस है ये यहाँ पे पीछे एंकर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप रूफ़ के एज पे काम कर रहे हो, अगर आप एज से बाहर निकल ना जाओ, ये आपका एरिया रेस्ट्रिक्टेड है, आपको उसी एरिया में काम करना है, ठीक है। तो इसको हमको जहाँ एडजस्ट करना है वहाँ पे आप एडजस्ट कर दीजिए तो आपका ये लेनियर का लेंथ उतना छोटा हो जाएगा, इससे ज़्यादा आप दूर जा ही नहीं सकते हो। सपोज़ यहाँ पे एज है, अगर मैं इससे आगे जाऊँगा तो गिर जाऊँगा, ठीक है, ये है ही पक्का। तो मैं इसका लेनियर का जो लेंथ है वो छोटा ही रखूँ ताकि मेरे पीछे एंकर होगा, मैं यहाँ से आगे जा ही नहीं सकता हूँ। तो ये एडजस्टेबल लेनियर है, ठीक है, ये भी एडजस्टेबल लेनियर है, लेकिन इसका लेनियर का जो विड्थ है ये थोड़ा मोटा है, लेकिन इसका भी फंक्शन सेम है। अभी दोस्तों मैंने आगे जो आपको बताया कि हम भी जब भी हम लोग ये फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस यूज़ करें तो अपन को ये इसको हमेशा दोनों में से एक स्नैप हुक हमारा एंकर होना ही चाहिए। लेकिन जब भी कोई वर्कर नया होता है 18 साल का 20 साल का होता है वो भूल जाते हैं, ठीक है, उनको आदत नहीं होती है कि हाइट पे काम करे तब दोनों में से एक को तो एंकर करना ज़रूरी है। तो एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है, जब भी कोई वर्कर अपने कंपनी में नया आता है तो उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग के लिए स्पेशल ट्रेनिंग के लिए होता है लेनियर,
यहाँ पे दोनों में से अपन को एक तो हमेशा एंकर रहेगा ही। जैसे देखो अभी दोनों के दोनों लगे हुए हैं, इसमें से अगर मैं एक निकाल देता हूँ, ठीक है, ये मैंने एक निकाल दिया, अभी मैं दूसरा निकालने जाऊँगा ना तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऐसा होता है कि एक खुला है तो दूसरा बंद ही रहेगा। अभी जैसे इसको मैं लगा दिया, ठीक है, ये लगा दिया, अभी मैं इसका खोलने का कोशिश करूँगा तो तुरंत निकल जाएगा और ये नहीं निकलेगा क्योंकि ये खुला है। तो जब भी ट्रेनिंग के लिए नया बंदा आता है तो उसको ये वाला लेनियर्ड अपन देंगे तो उसको आदत सी हो जाएगी, थोड़े दिन यूज़ करेगा उसको हैबिट पड़ जाएगी, और उसके बाद ये वाले जो लेनियर्ड यूज़ करेगा तो उसको वो गलती कभी नहीं करेगा। अभी देखो ये दोनों एंकर हो गए, अभी आराम से अगर इसको मैंने निकाल दिया, ठीक है, तो ये नहीं निकलेगा, ये लॉक हो गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही यूज़फुल रहता है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको लेनियर्ड्स के अलग अलग टाइप पता चल गए होंगे। ये रेगुलर लेनियर्ड है, ये हमारा स्ट्रेचेबल लेनियर्ड है, ठीक है, ये हमारा एडजस्टेबल लेंथ वाला लेनियर्ड है, और ये हमारा ट्रेनिंग के लिए लेनियर्ड आता है। थैंक यू।